थाना अदमापुर पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर लुटेरों के गैंग को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट का माल बरामद हुआ है। वहीं इन लुटेरों से 22,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। एतमादपुर इलाके में लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए थाना एतमादपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में एक गैंग को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के 3 सदस्य पुलिस के हाथ लगे हैं। यह गैंग ऑटो में सवारी बैठाकर उनके साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया करता था। पुलिस द्वारा तीनों शातिर बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके पास से लूट की सामग्री सहित 22,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। देखिए, 4-7 की रात्रि में घटना हुई थी एतमादपुर क्षेत्र में और फिर एक सिमिलर घटना ताजगंज क्षेत्र में भी हुई थी। उसमें ऑटो सवार लोगों ने व्यक्ति को लूटा था, मारा पीटा था। यह व्यक्ति कुंडला की तरफ जा रहा था और कुबेरपुर के पास ही लूट की घटना की। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने ताजगंज में भी लूट की घटना की थी। इस क्रम में आज चेकिंग की जा रही थी ये SP पेट्रोल पंप राज रसोई के पास। मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया। 3 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, सोहेल, सोनू खान और अरबाज। ये सब ट्रांसमुना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस्लाम नगर के पास लोग रहते हैं। इनके पास से एक ऑटो और 22,300 रुपये जो लूट हुई थी वो हम लोग बरामद कर रहे हैं। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसमें जो सोहेल है उस पर वो पहले भी आर्म्स एक्ट के मुकदमे में जा चुका है और जो सोनू है ये मर्डर के मुकदमे में जेल में था, अभी कुछ दिन पहले ही छूट किया है 17 साल की सजा काटने के बाद। इन दोनों को जो इनके साथ पूछताछ की जा रही है, जो भी इसके अतिरिक्त और भी अगर इन गैंग मेंबर ऐसा कुछ पता चलता है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और उनको भी गिरफ्तार करके जुड़े होंगे। DG महाराजा न्यूज़ के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।